हेलो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं आप, यूथ पब्लिकेशन का क्वेश्चन जीके और साइंस का क्वेश्चन कराते हैं। जैसे कि देखिए, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें देखिए जीके का क्वेश्चन हम कराएंगे, क्योंकि साइंस का 400 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब फिर इसका 400 क्वेश्चन करा कर फिर साइंस, फिर इस टाइप से साइंस दोनों बुक का आपको रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। जैसे कि आप देखिए, इसमें 11,640 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, इसमें अपडेट किया गया क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें 22-27 में जितना भी एनटीपीसी क्वेश्चन हुआ इसमें इंक्लूड किया गया। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, कल आपको 100 तक करा दिए क्वेश्चन, उसके बाद आज 101 नंबर क्वेश्चन होगा। तो जैसे देखिए, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, तो बताइए ऑप्शन 101 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा धमेख स्तूप सारनाथ, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए इसका थ्योरी देखिए। क्वेश्चन में कहा गया, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इस स्थान पर स्मार्ट अशोक ने धमेख स्तूप का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा किया गया पहला उपदेश चक्र परिवर्तन कहलाया। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 102 नंबर क्वेश्चन, 102 में देखिए कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो बताइए 102 का आंसर क्या हो जाएगा। 102 का जगह डी, त्रिपिटक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित है, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, उसके बाद तीसरा अभिधार्मिक पटक। इसका उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 103 नंबर क्वेश्चन, 103 में कहा गया, भारत का एक धर्म जोरोऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत का एक धर्म जोरोऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 103 का आंसर बताइए, 103 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद चलिए, जोरोस्ट्रियन पारसी धर्म को मानने वाले अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुंगत है। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 104 नंबर, 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, 104 में कहा गया, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और 1 युग्म भिन्न है, तो कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। 104 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा डी मंदिर हिंदू से। जैसे देखिए, ऑप्शन ए अवश्वेता पारसी धर्म से है, तोरा यहूदी धर्म से है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से, मंदिर हिंदू, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन भिन्न हो जाएगा, ये ऑप्शन डी इसका भिन्न है। उसके बाद देखिए, अश्वेता पारसी का, तोरा यहूदी का एवं त्रिपिटक बौद्ध का धर्म ग्रंथ है, जबकि मंदिर हिंदुओं का पूजा करने का स्थान है, अतः यह बिल्कुल डी अंश से भिन्न है। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 105 नंबर, 105 में देखिए, जेद अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है, बताइए 105 का आंसर क्या हो जाएगा। 105 का ए पारसी से, पारसी धर्म से।
उसके बाद देखिए, जेद अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुंठ ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेद अश्वेता नामक ग्रंथ में है। उसके बाद देखा क्वेश्चन 106 नंबर, 106 में देखिए क्या कहा गया, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं, तो बताइए 106 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा डी, यहूदी धर्म का। किसका? यहूदी धर्म का। उसके बाद देखिए, यहूदियों का एकास्वादी धर्म यहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है, तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसाक और जेकब को अपना पितामह, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इसराइल और हिब्रू भाषियों का राज धर्म है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन, 107 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। 107 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा बी, तोरा से। किससे? तोरा से। उसके बाद देखिए, यहूदियों की धर्म भाषा इबानी, हिब्रू और यहूदी का धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इबानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधर्म पिटक का वर्णन मिलता है। गुरु ग्रंथ साहेब सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जबकि धर्मपद सूत्र पिटक का एक ही भाग है। उसके बाद आए क्वेश्चन मौर्य समाज से, जैसे इसका 108 नंबर क्वेश्चन, 108 में कहा गया, 326 ईसा पूर्व में भारत का आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था, तो बताइए 108 का आंसर क्या हो जाएगा। हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। उसके बाद देखिए, सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। उसके बाद उन्होंने झेलम और चेनाब नदी के बीच स्थित पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई को हाइड्रोस्पीज या झेलम वित्तशस्ता युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई। उसके बाद आए क्वेश्चन देखिए, 109 नंबर क्वेश्चन, 109 कहा गया, डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में स्मार्ट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक, बताइए 109 का आंसर क्या हो जाएगा। 109 का हो जाएगा डी, सांची का स्तूप। किसका? सांची का स्तूप। ये क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप का निर्माण स्मार्ट अशोक द्वारा तीसरी सदी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीम बेटका भी है। इस सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। उसके बाद आए क्वेश्चन देखिए, 110 नंबर क्वेश्चन, 110 में कहा गया, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। 110 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, अशोक। किसने? अशोक। उसके बाद आए क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन देखिए,
111 में कहा गया बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। बताइए 111 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा मौर्य, क्या हो जाएगा मौर्य वंश द्वारा। उसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासन काल के दौरान किया गया था। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धमेक स्तूप की नींव अशोक ने 249 ईसा पूर्व में रखी थी तथा इसका विस्तार कुशाल काल में हुआ। यह स्तूप का पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ है। उसके बाद आए क्वेश्चन देखिए, 112 नंबर क्वेश्चन, 112 में कहा गया बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है, ये बताए 112 का आंसर क्या हो जाएगा। 112 हो जाएगा ए, सारनाथ में, कहाँ है सारनाथ में। उसके बाद देखिए 113 नंबर क्वेश्चन, 113 में कहा गया तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, बताइए 113 का आंसर क्या हो जाएगा। 113 सी हो जाएगा अशोक, क्या हो जाएगा अशोक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध परिषद संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में कराया गया था। इसकी अध्यक्षता मोंगालुपुत्र तिस द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना था। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया एवं तीसरे पिटक अभिधान पिटक को जोड़ा गया। ज्ञातव्य है कि प्रथम बौद्ध समिति में बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों विनय पिटकों तथा सूत्र पिटकों में संकलित किया गया था। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, 114 नंबर क्वेश्चन, 114 में कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताइए कौन सा गलत है, इसका 114 का गलत है। जैसे देखिए ऑप्शन ए में उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सके, तो बताइए गलत है कि सही है। उसके बाद बैरम खा उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। उसके बाद देखिए डी नंबर, सी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग समाज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद आगे देखिए डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर में कहा गया समाज के पुरातात्विक साक्ष कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 114 क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या जगह बी, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था, इसका 114 का बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए, 114 मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम अखिल भारतीय समाज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यूनानी राजदूत मेगास्त्री कृति इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धर्मावलंबी था
धर्मुल लंबी था तथा उसने जैन क्रिया संलेखना विधि द्वारा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना प्राण त्याग दिए, जबकि बैरम खां अकबर का संरक्षण था। उसके बाद आए क्वेश्चन देखिए, 115 में कहा गया, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे। तो बताइए 115 का आंसर क्या हो जाएगा। 115 हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक तक शक्ति रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक। उसके बाद आए क्वेश्चन देखिए, 161 युद्ध स्मार्ट अशोक और कलिंग के राजा के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। स्मार्ट अशोक ने मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इस युद्ध में का वर्ण स्मार्ट अशोक के 13वें शिलालेख में और स्मार्ट अशोक का राजभिषेक के बाद 8वें वर्ष में यह युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद देखिए, बिंदुसार का पुत्र था कौन? अशोक। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटे का नाम बिंदुसार। उसके बाद देखिए आए क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन। 116 में कहा गया, ऐतिहासिक कांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासक काल के दौरान इसे क्या कहा जाता है? 116 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 116 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरापथ इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, मौर्य काल में इस लड़का को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित यह राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, उसके बाद पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त के शहरों को जोड़ता था। उसके बाद देखिए, मुगल काल में मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग का ज़्यादातर भाग शेरशाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित कराया गया। सासाराम अपने गृहनगर के साथ आगरा तथा अपने राजधानी को जोड़ना शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़क ए आजम उनके नाम पर संपृक्त कर दिया गया। इसके बाद मुगल शासक ने इसे पश्चिम में खैबर दर्रे को उसके बाद क्या कहा गया, खैबर दर्रे को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ाया। अंग्रेजों के काल में 17वीं सदी में इस मार्ग को ब्रिटिश शासक को पुनर्निर्माण किया गया और इसका नाम बदलकर गैंगटॉक रोड कर दिया। उसके बाद देखिए 117 नंबर क्वेश्चन, में कहा गया, कलिंग युद्ध की हिस्सा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले स्मार्ट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय स्मार्ट डैश के अनुयायी बन गए। तो बताइए 117 का आंसर क्या हो जाएगा। 117 ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। किसे? बौद्ध धर्म के। उसके बाद देखिए
कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले स्मार्ट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिरचित्त एवं शांतिप्रिय स्मार्ट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। उसके बाद देखिए 118 नंबर क्वेश्चन, 118 में कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, बताइए 118 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, कौन हो जाएगा आंसर, विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त अन्य नाम से चाणक्य एवं कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य समाज की स्थापना की थी, यह पूरे भारत को एक समाज के अधीन लाने में सफल रहा। उसके बाद देखिए 119 नंबर क्वेश्चन, 119 में कहा गया उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानित किया गया, बताइए 119 का आंसर क्या हो जाएगा। हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, राजगीर, क्या हो जाएगा राजगीर। उसके बाद देखिए 461 से 445 पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु हर्यश वंश की हत्या करने के मगध का शासक बना। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। यह जैन धर्मावलंबी शासक था। उसके बाद आगे क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन, 120 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। 120 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इंडिका, कौन पुस्तक इंडिका। उसके बाद देखिए मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह सेल्कस नेकटर का राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यगिन समाज एवं संस्कृति का विषय में लिखा। हरिश्चरित्र वान भट्ट माल विक्रम मित्रम कालिदास की पुस्तक है। माल विक्रम मित्रम किसकी, कालिदास की पुस्तक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन 121 नंबर, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए ये बताइए। 121 का आंसर क्या हो जाएगा, 121 का हो जाएगा सी ब्राही, क्या हो जाएगा ब्राही। उसके बाद देखिए 121 के प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख ब्राही लिपि में लिखे गए थे। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सब प्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेम्प नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। शाह बाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि एवं तक्षशिला एवं लघमान के अफगानिस्तान अभिलेख आरमाइका एवं गृहलिपि में उत्तीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख लघु शिला स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राही लिपि में उत्तीर्ण है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए 122 नंबर क्वेश्चन, 122 में कहा गया इनमें से किसने मौर्य प्रशासक में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में उल्लेखित किया था, तो बताए 122 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा कौटिल्य, क्या हो जाएगा कौटिल्य।
उसके बाद देखिए चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य मौर्य स्मार्ट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थनीति आदि का महान ग्रंथ है। इसी पुस्तक में कौटिल्य ने अपने मौर्य प्रशासक में अपने अध्यक्ष को विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के रूप में उल्लेखित किया है। इंडिका मेगस्थनी द्वारा रचित पुस्तक इसका संबंध मौर्य काल से है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए आगे 128 नंबर क्वेश्चन 128 में कहा गया स्मार्ट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों को प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश और पुत्री डैश भी शामिल थे। तो बताइए इसका आंसर क्या है 128 का हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्र एवं संघमित्रा। संघमित्रा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखा क्वेश्चन स्मार्ट अशोक ने अपने ने बौद्ध धर्म के आदर्शों को प्रचार के लिए धर्म प्रचारक राज दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सके। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। स्मार्ट अशोक का नाम देवानाम प्रिय है। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। उसके बाद आगे 124 नंबर क्वेश्चन देखिए 124 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। तो बताइए इसका क्या अशोक ऑप्शन सी 124 का हो जाएगा। 124 का बताइए क्या हो जाएगा अशोक हो जाएगा। उसके बाद देखा है क्वेश्चन 125 नंबर 125 में कहा गया देश धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो बताइए 125 का आंसर क्या हो जाएगा। 125 का हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका सी 125 का क्या हो जाएगा सी अशोक। देश ने धर्म विजय और धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की तो अशोक। उसके बाद देखा ये क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देखिए मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती स्मार्ट अशोक ने अखंड भारत पर शासक किया। अशोक ने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन देखिए 126 126 में कहा अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में है डैश पर विजय हुई थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। 126 आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हो जाएगा डी ओडिशा। क्या हो जाएगा ओडिशा। अशोक शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय हुई थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ ओडिशा में। उसके बाद आए क्वेश्चन देखिए 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार भी किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए।
तथा धर्म की स्थापना की। आधुनिक युग में कलिंग को ओडिशा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, 127 नंबर क्वेश्चन। 127 में कहा गया, अशोक ने डैश युद्ध के बाद बौद्ध उपदेश को अपना लिया। कलिंग ऑप्शन बी क्या जाएगा, 127 से क्या हो जाएगा, कलिंग। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, 128 नंबर क्वेश्चन। 128 प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने अस्मार्ट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था, बताइए 128 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 261 BC में। उसके बाद आए क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है। यह युद्ध महान अस्मार्ट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसमें अस्मार्ट अशोक की विजय हुई। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन के बाद अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। उसके बाद आगे क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, 129 में कहा गया, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया, 129 का आंसर बताइए। 129 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 13वें। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया, 13वें में। उसके बाद अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध में हुई नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन। 130 में कहा गया, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य समाज के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था, 130 का आंसर बताइए। 130 का जगह डी बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य समाज के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था, बिंदुसार। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व मौर्य समाज के सिंहासन बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय अनुयायी था। वायु पुराण में इसे भदसार या वारिसार कहा गया। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसके दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस आया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, आगे 131 नंबर क्वेश्चन। 131 में कहा गया, अस्मार्ट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था, तो बताइए 131 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी बिंदुसार। अस्मार्ट अशोक डैश का पुत्र था तो किसका, बिंदुसार का। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 259 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने वाल
बैठने के समय अशोक अवंतिक का राज्यपाल था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 132 नंबर, 132 में कहा गया अस्मार्त अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। 132 आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन बी बिंदुसार का। अस्मार्त अशोक किसका उत्तराधिकारी था, बिंदुसार का। उसके बाद देखिए अस्मार्त अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था तथा अशोक का सौतेला भाई था। सुसीम मौर्य शासक का बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था तथा अशोक का सौतेला भाई था। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन 133 नंबर, 133 में कहा गया अस्मार्त अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने दैस आदेश उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। 133 आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन बी 14। कितना दैस तख्तों पर अपने दैस आदेश उत्तीर्ण करवाया, कितना 14, इसका आंसर हो जाएगा 14। उसके बाद देखिए अस्मार्त अशोक 14 शिलालेख उत्तीर्ण करवाए ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सके। उसके बाद आए क्वेश्चन देखिए 134 नंबर क्वेश्चन, 134 में कहा गया अशोक महान दया से संबंधित थे। बताइए 134 का आंसर क्या हो जाएगा, 134 का सी हो जाएगा, मौर्य वंश। अशोक महान दया से संबंधित थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, 135 में कहा गया महान अस्मार्त अशोक किस वंश से थे, मौर्य वंश से। 135 का क्या हो जाएगा, 135 का मौर्य वंश, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 136 नंबर क्वेश्चन, 136 में कहा गया डैश मौर्य समाज की राजधानी थी। 136 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की। उन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य समाज की स्थापित किया था। मौर्य समाज की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, 137 में कहा गया कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। 137 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 137 का बी मौर्य। क्या हो जाएगा, मौर्य से, मौर्य वंश से। जैसे देखिए कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त समाज अस्मार्त चंद्रगुप्त मौर्य के 328 ईसा पूर्व के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र के कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ, उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल में इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि का विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। उसके बाद आए क्वेश्चन देखिए 138 नंबर क्वेश्चन, 138 में कहा गया चाणक्य एक अन्य नाम से क्या था। 138 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 138 का बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए 139 नंबर क्वेश्चन, 139 मेगास्तनीज भात आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था। तो ये बताए 139 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यूनान। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए
यूनानी राजदूत मेगास्त्री चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी स्मार्ट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया। उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखकों को का रखरखाव करता था, न्याय का पालन करता था। इस अधिकारियों को डैश कहा जाता है। बताइए 140 का आंसर क्या हो जाएगा? 140 का सी हो जाएगा, 140 का सी रज्जुक, क्या हो जाएगा? रज्जुक। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट अशोक ने अपने राजकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखकों को रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, 141 में कहा गया, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? यह बताइए 141 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे देखिए, मुद्रा राक्षस की रचना शिखादत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास का मुख्य चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इस चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल तथा कुलहीन कहा गया है। उसके बाद देखिए 142 नंबर क्वेश्चन, 142 में कहा गया है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? 142 बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शुंग वंश ने मौर्य वंश को समाप्त किया। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्दत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासक उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्ष तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश की का प्रथम शासक था, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहद्दत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। जैसे आगे क्वेश्चन देखिए 143 नंबर क्वेश्चन, 143 में कहा गया, मौर्य वंश का अंतिम स्मार्ट कौन था? 143 का आंसर बताइए, बृहद्दत्त था। कौन? बृहद्दत्त था इसका अंतिम, मौर्य वंश का अंतिम स्मार्ट। उसके बाद का एक क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल, इसका देखिए क्वेश्चन 144 नंबर, 144, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों को चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो बताइए 144 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सातवाहन वंश ने। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? कौन होगा इसका आंसर? सातवाहन वंश, इसका 144 का सी, 144 का सी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, जैसे देखिए, सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों को चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन शासक द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, कांसा, पोटीन आदि के सिक्के भी चलाए। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन शासक अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। तो सातवाहन राजवंश ने अपने शासक चित्र वाले
सिक्के जारी किए। सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद आए क्वेश्चन देखिए 145 नंबर क्वेश्चन, 145 में कहा गया दिए गए विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है। 145 आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 145 का हो जाएगा इसका डी, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो ये क्या बताए, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये बताइए इसका दिए गए विकल्प में कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो इसका जो है विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही नहीं है और ए बी सी सही है। उसके बाद देखिए उसके बाद जीवन बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे बल्कि कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी में स्थित है और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये सभी कथन सत्य हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन 146 नंबर, 146 में कहा गया कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। तो बताइए 146 का आंसर क्या हो जाएगा, 146 का ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाण। कनिष्क किस वंश से संबंधित था, कुषाण से। उसके बाद देखिए कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईसा पूर्व अपना राज्यारोहण किया तथा इस उपलक्ष्य में एक संपत चलाया जो शक संपत कहलाता है तथा जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। 78 ईसा पूर्व में शक्र युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध जैसे देखिए चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र अध्यक्षता में हुई जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की अनुयायी था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन था, वासुदेव था। उसके बाद देखा गया क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन, 147 में कहा गया कनिष्क दस वंश का स्मार्ट था। तो बताइए 147 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कुषाण। उसके बाद देखिए 148 नंबर क्वेश्चन, 148 में कहा गया शक्र युग्म आरंभ हुआ था। तो बताइए 148 का आंसर क्या हो जाएगा, 148 क्या हो जाएगा डी, सन 78 ईसा पूर्व में 78 ईस्वी में शक्र युग्म आरंभ कब हुआ, 78 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 149 नंबर क्वेश्चन देखिए 149 में क्या कहा गया कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर दस थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। तो बताइए 149 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कनिष्क। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर दस थे कसिन थे कनिष्क थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। उसके बाद देखिए आए क्वेश्चन
कुषाण शासकों में प्रसिद्ध कनिष्क 78 ईसा पूर्व में 101 से 101 या 102 ईसा ईस्वी थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाण के वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय धार्मिक प्रवृत्ति साहित्य कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। उसके बाद देखिए 150 नंबर क्वेश्चन, 150 में कहा गया ईसा पूर्व 150 शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। बताइए 150 का आंसर क्या हो जाएगा, सी क्या जवाब, पहली। ईसा पूर्व 150 शताब्दी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया, कब क्या था पहली। उसके बाद देखिए ईसा पूर्व की पहली शताब्दी के आरंभ में 15वें ईस्वी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था, जो चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चतुर बौद्ध संगीत का आयोजन पुंडलवन कश्मीर में किया गया था। जैसे देखिए 151 नंबर क्वेश्चन में कहा गया ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डैस ने लिखा था, तो बताइए 151 का आंसर क्या हो जाएगा। हो जाएगा ऑप्शन ए खारवेल, इसका आंसर होगा खारवेल। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, आगे देखिए ओडिशा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफाएं में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। यह लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, गुप्त एवं गुप्तोत्तर समाज। उसके बाद 152 नंबर क्वेश्चन देखिए, 152 में कहा गया उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया, तो बताइए 152 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आर्यभट्ट, किसका होगा आर्यभट्ट, ऑप्शन डी इसका आर्यभट्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे, जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। व्यक्ति और कार्य क्षेत्र चरक क्या हो जाएगा महर्षि और आयुर्वेद विशारद। उसके बाद देखिए दोनों ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए वरा मिहिर क्या होगा भारतीय गणितज्ञ। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए 153 नंबर क्वेश्चन, 153 में कहा गया इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो बताइए 153 का आंसर क्या हो जाएगा। 153 का हो जाएगा डी बाणभट्ट, क्या हो जाएगा बाणभट्ट इसका आंसर। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन की दरबारी कवि थे, तो क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाणभट्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वनभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वनभट्ट
ने हस्तचरित नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री हैनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार था। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने की थी। उसके बाद देखा गया क्वेश्चन 154 नंबर। देखिए कहा गया, चीनी यात्री हैनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था, ये बताइए। 154 का आंसर क्या हो जाएगा? 154 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के समय आए थे। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन हैनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। भारत से वह 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों का संग्रह के लिए आया था। इसका भ्रमण विख्यात सी यू की नामक से प्रसिद्ध है। ध्यातव्य कि हैनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा के विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सिलभट थे। उसके बाद देखा गया क्वेश्चन 155 नंबर क्वेश्चन। 155 में कहा गया, डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 1627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा 155 का? 155 हो जाएगा सी, हैनसोंग ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैनसोंग ने। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद 156 नंबर क्वेश्चन देखिए। 156 में कहा गया, इनमें से कौन सा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? बताइए 156 का आंसर क्या हो जाएगा? 156 का डी हो जाएगा, हैनसोंग। क्या हो जाएगा? हैनसोंग इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 157 नंबर क्वेश्चन, 157 का, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? 157 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी, हैनसोंग ने। हैनसोंग ने इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चीनी यात्री हैनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा आया तथा छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद 158 नंबर क्वेश्चन, वान भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? वान भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? 158 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। उसके बाद क्वेश्चन, वान भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं हस्तचरितम तथा कादम्बरी है। इनके दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों माने जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 159 नंबर क्वेश्चन, 159 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्नों में से एक है? तो बताइए 159 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वराह मिहिर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य
दित्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त समाज का यह समय भारत स्वर्णमय युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत से की शुरुआत सांची अभिलेख में उन्हें देवराज कहा गया। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत निवास करते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धनतुरी, घट खपर, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट, छन्नपनक, वर रुचि थे। ये जितना भी है क्या थे, ये सब चंद्रगुप्त दरबार में नवरत्न निवास करते थे। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 160 नंबर क्वेश्चन, 160 में कहा गया, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, तो बताइए इसका 160 का आंसर क्या हो जाएगा। हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। वह गुप्त वंश का एक महान योद्धा था तथा कुशल सेनापति था। समुद्रगुप्त की विजय के कारण इतिहासकार विशेष स्मित ने अपनी पुस्तक अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। उपाधियां पराक्रमांक और प्रतिरथ सर्वार्थिता लिच्छवी दौमित्र दौहित्र आदि समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं। उसके बाद आए क्वेश्चन देखिए, 161 नंबर क्वेश्चन, में कहा गया, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। 161 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी, प्रभावती गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या है, प्रभावती गुप्त। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, 375 से 415 ईस्वी में गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। इसने वैवाहिक संबंधों और विजय दोनों तरह से समाज की सीमा का विस्तार किया। अपने वैवाहिक नीति को इसने दो पड़ोसी राज्य नागाओ और वाकाटक के खिलाफ निर्देशित किया। इन दोनों शक्तियों को जितना चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए बहुत आवश्यक था ताकि शक्र छत्रपों को वंश में किया जा सके, सबसे पहले चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की और इनकी मित्र बनाया तथा चंद्रगुप्त अपनी बेटी प्रभावती गुप्त को का विवाह महाराष्ट्र के वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस तरह वह महाराष्ट्र और मध्य भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन, 162 नंबर क्वेश्चन देखिए, 162 में क्या कहा गया, 162 में कहा गया, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासन काल का एक अन्य नाम है। 162 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय का। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासन का एक अन्य नाम है, तो किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको
संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश के एक शक्तिशाली स्मार्ट थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्र के उत्तराधिकारी थे। इनके शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया। विक्रमादित्य, उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। एक सौ तिरसठ नंबर क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? बताइए 163 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी, कालिदास, हो जाएगा कालिदास। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, कालिदास तीसरी चौथी शताब्दी में गुप्त समाज में संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास की प्रमुख कृतियां निम्न हैं, जैसे नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय मालविकाग्नि मित्रम, उसके बाद महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभम, उसका खंड काव्य मेघदूत और ऋतु संहारम। इसका क्या है कालिदास पर प्रमुख कृतियां निम्न है, जैसे देखिए आगे क्वेश्चन 164 नंबर क्वेश्चन, 164 में क्या कहा गया? 164 में कहा गया प्रसिद्ध में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? 164 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त वंश। क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। जैसे देखिए आगे क्वेश्चन, गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रसिद्ध में अपनी उपलब्धियों लिखवाई थी। प्रसिद्ध में अपने शासकों को प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है। प्रसिद्ध का सबसे पहला प्रसिद्ध उदाहरण खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख है, जो प्राकृतिक भाषा और ब्रह्मी लिपि में लगभग पहली शताब्दी से ईसा पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 165 नंबर, 165 नंबर देखिए, गुप्त समाज के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बिना वादक भी था? बताइए 165 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक एवं एक अच्छा बिना वादक के रूप में भी जाना जाता है। किसे कहा जाता है? गुप्त वंश को। गुप्त वंश का महानतम शासक एवं अच्छा बिना वादक के रूप में भी जाना जाता है। इसे आयावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और इसे संगीत प्रेमी भी कहा गया। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बिना वादक वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया। उसके बाद क्या है क्वेश्चन 166 में कहा गया, किस युग्म को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग्म कहा जाता है? बताइए 166 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी, गुप्त समाज चौथी शताब्दी। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए
गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिंगता, आर्थिक समुद्री तथा शासक व्यवस्था के स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद के मूर्तिकला के क्षेत्र में देखे तो गुप्त काल में भरहूत, अमरावती, सांची तथा मथुरा इस काल की प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माण का काल था। उसके बाद देखिए चित्रकारी के क्षेत्र में अजंता एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी। उसके बाद देखिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट, जहां पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वही दूसरी ओर वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 167 नंबर क्वेश्चन 167 में कहा गया, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग्म कहा गया? बताइए 167 का आंसर क्या हो जाएगा। 167 का हो जाएगा डी, गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग्म कहा गया? किसे? गुप्त काल को। उसके बाद क्या है क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, कहा गया, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? बताइए 168 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने। क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम ने। क्या कहा? नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसी स्थापना भारतीय शासक ने की थी। कौन किए थे? कुमार गुप्त प्रथम ने। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 69, विश्वविद्यालय के विश्व महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है, महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त 415 से 455 ईसा पूर्व ने बिहार राज्य के नालंदा जिले में करवाया था। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। हेनसंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति सिलबद्ध थे। 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उसके बाद देखा गया क्वेश्चन 169 नंबर क्वेश्चन 169 में कहा गया, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त समाज की बागडोर किसने संभाली? बताइए 169 का आंसर क्या हो जाएगा। हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त समाज की बागडोर किसने संभाली? समुद्रगुप्त ने। उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त समाज की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का चौथे शासक थे। उसके बाद क्वेश्चन 170 नंबर, 170 में कहा, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? 170 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी वान भट्ट। क्या हो जाएगा? वान भट्ट। उसके बाद 170 का देखिए, उसके बाद वान भट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। उन्होंने हस्तचरित्र एवं कदम्बली की रचना की थी। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी।
जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, उन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 171 नंबर क्वेश्चन 171 में कहा गया, हर्ष की मृत्यु के बाद सातवीं शताब्दी के आसपास डैस प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। तो बताइए 171 का आंसर क्या हो जाएगा। हो जाएगा ऑप्शन ए राजपूत। क्या हो जाएगा? राजपूत। हर्ष की मृत्यु के बाद सातवीं शताब्दी के आसपास डैर प्रभुत्व में आए उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। तो क्या हो जाएगा? राजपूत। किसके प्रभुत्व में आए थे? राजपूत के। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन 171 की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण समाज छोटे छोटे राज में बट गया, जिसमें अधिकांश राज शासक राजपूत जाति के थे। सातवीं से बारहवीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों, गुजर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूटों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुज्जर प्रतिहार वंश के विजय हुई और कन्नौज पर उनका आधिपत्य हुआ। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 172 नंबर क्वेश्चन 172 में कहा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त समाज का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो बताइए 172 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 390। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त समाज का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो कब तक डैश कब किया? 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त समाज का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। उसके बाद 173 नंबर क्वेश्चन देखिए, 173 में कहा गया, चीनी यात्री इति संग डैश में 3 वर्ष की ठहर कर संस्कृत सीखा था। बताइए 173 का आंसर क्या हो जाएगा। 173 का ऑप्शन ए हो जाएगा ताम्रलिप्ति। चीनी यात्री इतिंग्स डैश में 3 वर्ष ठहर का संस्कृत सीखा। कहाँ ठहरा था? ताम्रलिप्त में। उसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इतिंग संग चीनी बौद्ध यात्री था। यह सातवीं शताब्दी के अंत में भारत आया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। सुमात्रा तथा लंका होते हुए वह ताम्रलिप्ति पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। उसके बाद 174 नंबर क्वेश्चन 174 में कहा गया, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। तो बताइए 174 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्नौज। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट के वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। तो बताइए इसका कन्नौज पर। उसके बाद गया क्वेश्चन 8वीं के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुज्जर प्रतिहार शासक का अधिकार हो गया। उसके बाद 175 नंबर क्वेश्चन देखिए, 175 में कहा गया, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा समाज स्थापित
कर लिया था, तो बताइए 175 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन सी मगध। कहाँ हो जाएगा? मगध। 34वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा समाज स्थापित कर लिया। क्या चीज का? मगध में एक छोटा सा समाज स्थापित कर लिया। उसके बाद देखिए 34वीं शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई मगध की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश का को है। किसे है? गुप्त वंश को। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 176 नंबर क्वेश्चन। 176 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? बताइए 176 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। उसके बाद गया क्वेश्चन, कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्य का उदय हुआ, जिनमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था। इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। गुप्त वंश के का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। उसके बाद गया क्वेश्चन 177 नंबर क्वेश्चन। 177 में कहा गया, गुप्त समाज के वास्तविक संस्थापक कौन थे? 177 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी श्री गुप्त। क्या हो जाएगा? श्री गुप्त। उसके बाद गया क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 178 नंबर क्वेश्चन। 178 में कहा गया, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? बताइए 178 का आंसर क्या हो जाएगा? 178 का ऑप्शन बी फाहियान ने। किसने? फाहियान ने। जैसे देखिए क्वेश्चन आगे, गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण का महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय राजवंश चोल चालुक पल्लव संगम, ये सब देखिए इसका क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा इसका 179 नंबर क्वेश्चन। 179 चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता है। बताइए क्या हो जाएगा? 179 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, साला भोग। क्या हो जाएगा? साला भोग। उसके बाद देखा क्वेश्चन, चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को साला भोग कहा जाता था। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों की उपहार दी गई भूमि थी। वहीं बेलन वलाई गैर ब्राह्मणों एवं किसानों को प्रदान की गई भूमि थी। पलिचंदम
जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि थी। उसके बाद देखा जाएगा क्वेश्चन 180 नंबर क्वेश्चन 180 में कहा गया डैश होयसल समाज की राजधानी थी। 180 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा द्वार समुद्र। क्या हो जाएगा? द्वार समुद्र। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन होयसल यादवों के वंशज थे तथा ये चोल या पश्चिम चालुक्य के समान थे। ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। उसके बाद देखिए 181 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उदयम स्थापित किए? तो बताइए 181 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी चोल वंश। क्या हो जाएगा? चोल वंश। उसके बाद देखा जाएगा क्वेश्चन चोल राजवंश पेन्नार और कावेरी नदी के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। इस राजवंश की स्थापना विजयालय 850 से 887 की ने 850 से 1887 ने की थी। चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह महाबिलमपुरम, कावेरी, पत्तनम, सालिक्यूर, कोकरई आदि थे। उसके बाद देखिए 182 नंबर क्वेश्चन 182 में कहा गया राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे। तो 182 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा बी पल्लव। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे। किस शासक के थे? पल्लव वंश के। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन राजा सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी पल्लव वंश के शासक थे। सातवाहनों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित होने वाले पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने की थी। सातवाहन समाज के दक्षिण पूर्वी भाग में शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु थी। उल्लेखनीय है कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं कृतनाजुनियम के चरित्र रचयिता भारवी शिव विष्णु के दरबार में रहते थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 183 नंबर क्वेश्चन 183 में कहा गया पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थे। 183 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी चालुक्य वंश। क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश। उसके बाद देखिए क्वेश्चन वातापी चालुक्य वंश की स्थापना राजा जय सिंह ने की थी। इसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट स्थित इस वंश के प्रमुख शासक थे। पुलकेशिन प्रथम कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय विक्रमादित्य एवं विजयादित्य, इन सब में से सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। वातापी चालुक्य वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दैत्यदुग ने परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। उसके बाद 184 नंबर क्वेश्चन 184 में कहा गया पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था?
184 का आंसर बताइए क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा चालुक्य, क्या आ जाएगा चालुक्य। उसके बाद देखिए पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के प्रतापी शासक था, यह कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध के एक विजय के विषय में जानकारी एहोल अभिलेख से मिलती है। इसकी रचना उसके समकालीन कवि रविकृति ने की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया। हर्षवर्धन को पराजित करने के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने अपना दूसरा नाम परमेश्वर रखा। लोहेनेर अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को पूरब एवं पश्चिम पर्योधि का स्वामी कहा गया है। इस अभिलेख में इसे परमा भागवत कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन 185 में कहा गया डैश सातवीं और आठवीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। 185 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पल्लव। डैश सातवीं और आठवीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, कहाँ की डैश सातवीं और आठवीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम की राजधानी तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा पल्लव। पल्लव जो है सातवीं और आठवीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम की राजधानी थी। उसके बाद गया क्वेश्चन सातवीं और आठवीं सदी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुई जिसका वास्तविक संस्थापक शिव विष्णु 570 से 600 ईस्वी को माना जाता है। इन्होंने अवनिय सिंह की उपाधि धारण की। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ तथा एरावतेश्वर मंदिर और महाबिलमपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखा क्वेश्चन 186 में कहा गया कांची डैश की राजधानी थी, तो बताइए 186 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा पल्लव। कांची डैश की राजधानी थी, कहाँ की पल्लव की। उसके बाद देखा क्वेश्चन 187 में कहा गया डैश पांडव वंश की राजधानी थी, बताइए 187 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन सी मदुरई का, क्या हो जाएगा मदुरई पांडव वंश की राजधानी है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से तीन राजवंशों का रहा है, चोल चेल पांडव पांड्य राजवंश का समाज तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित पांड्यों की राजधानी का नाम मदुरई था। उसके बाद क्या है क्वेश्चन 188 में कहा गया डैश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासक किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोत्ता प्राप्त की, तो बताइए 188 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन डी पांड्या, क्या हो जाएगा पांड्या इसका आंसर हो जाएगा। डैश मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासक किया और 13वीं शताब्दी के सर्वोच्चतम प्राप्त किया, कौन किया पांड्या ने। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन 185 तीन चरणों में विभाजित किया जाता है, पहला समकालीन पांड्या राज, दूसरा कंडुनगोन द्वारा स्थापित प्रथम पांड्या समाज, तीसरा सुंदर पांड्या द्वारा स्थापित द्वितीय पांड्यव राज। तमिल रचना संगम साहित्य से पांड्या वंश की राज जानकारी प्राप्त
होती है। मदुरई दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मुख्यालय है, एक मुख्यालय है। उसके बाद देखिए नगर है, यह नगर अपने प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है। यह का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है। उसके बाद 189 नंबर क्वेश्चन, 189 में कहा गया पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। 189 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करिकाल। क्या हो जाएगा, करिकाल इसका आंसर हो जाएगा। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है, करिकाल को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी, बाद में उरेयूर एवं तंजावूर बनी। संगमकालीन तीनों राज्यों में सब प्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकल्ला था, जिसने वनिंग के युद्ध में पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को हराया। करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुहारपतन कावेरी पतनम नामक नगर की स्थापना की। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरी पतनम तथा राजकीय चिन्ह बाघ था। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, 190 नंबर क्वेश्चन, 190 में कहा गया पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, तो बताइए 190 का आंसर क्या हो जाएगा। 190 हो जाएगा बी, 190 हो जाएगा बी, महेंद्र वर्मन। क्या हो जाएगा, महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, तो महेंद्र वर्मन। जैसे देखे क्वेश्चन, पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी के समय पल्लव समाज ने केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक साहित्य एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्विला प्रहसन तथा भगवत सुकुयम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की तथा संस्कृत में भी कई नाटक लिखे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 191 नंबर क्वेश्चन, 191 कहा गया किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया, तो बताइए 191 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था, तो बताइए क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। दोनों राजाओं की समाजवादी महत्वाकांक्षी ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 192 नंबर क्वेश्चन, देखिए 192 में कहा गया चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, बताइए 192 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राजन चोल तृतीय ने। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, राजन चोल तृतीय ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजन या राजेंद्र चोल तृतीय था। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर थी। यह राज पेन्नार एवं कावेरी नदी के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित है। उसके बाद 193 नंबर क्वेश्चन, 193 में कहा गया कौन से चोल राजा ने मालदीप के द्वीपों पर
दरियाई विजय पाई थी। बताइए 193 का आंसर क्या हो जाएगा। 193 का ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राज। कौन से चोल राजा मालदीप के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई बताइए पाई थी। तो बताइए क्या जाएगा ऑप्शन बी राजा राज। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, राजा राज ने मालदीप के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। इसकी अन्य विजय के केरल पांड्य सिंहल एवं पश्चिमी गंगा थी। राज की प्रथम विजय केरल थी जबकि अंतिम विजय मालदीप थी। उसके बाद 194 नंबर क्वेश्चन, 194 में कहा गया प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज प्रशासक किया था। 194 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए तमिलनाडु और केरल। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज प्रशासक किया था, तमिलनाडु और केरल पर। उसके बाद आए क्वेश्चन, प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासक किया था। चेरों को शासक काल संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। उसमें आधुनिक त्रावणकोर, कोचिन, मालाबार, कोयबटूर और सलेम दक्षिणी जिला के प्रदेश सम्मिलित थे। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन 195 नंबर, 195 में कहा गया किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो बताइए 195 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी राजेंद्र चोल। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया, कौन किया, राजेंद्र चोल ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। इसने गंगोई कोंड की उपाधि धारण की थी। उसके बाद गया क्वेश्चन, सीमावर्ती राजवंश। देखिए 196 नंबर क्वेश्चन, 196 में कहा गया 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। बताइए 196 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मपाल। क्या हो जाएगा, धर्मपाल इसका आंसर हो जाएगा। 9वीं शताब्दी के स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, धर्मपाल ने। किसने, धर्मपाल ने। जैसे देखिए क्वेश्चन, पाल वंश की संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुरागी थे। गोपाल अदंतपुरी में एक मठ का निर्माण कराया था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार की स्थापना की थी। धर्मपाल ने सर्वप्रथम पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन 197 नंबर, 197 में क्या कहा गया वो देखिए क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं, तो कहाँ बसे हुए हैं ये बताइए 197 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी मध्य एशिया। कहाँ हो जाएगा, मध्य एशिया। सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं देश में, कहाँ, मध्य एशिया में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति हैं। ये वर्तमान में मंगोलिया, चीन एवं रूस में निवास करते हैं। ये शिकारी तीरंदाजी एवं घुड़सवारी में कुशल थे।
चंगेज खान भी मंगोल था, मंगोल था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 198 नंबर क्वेश्चन, 198 में कहा गया विद्याशक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। 198 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा वाकाटक। विद्याशक्ति, विद्याशक्ति डैश वंश के संस्थापक थे, तो वाकाटक के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन विद्याशक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग पर तथा बरार मध्य प्रदेश तक विस्तृत था। विद्याशक्ति का उल्लेख वायुपुराण, वायुपुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रवरसेन प्रथम था। प्रवरसेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने स्मार्ट की उपाधि धारण की। उसके बाद का एक क्वेश्चन 199 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। 199 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था, गोपाल था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक प्रथम राजा गोपाल 750 ईस्वी था, 750 ईस्वी में था। 200 नंबर क्वेश्चन देखिए, 200 में कहा गया इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है, तो बताइए क्या 200 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पाल। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है, तो पाल वंश। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, पांडव सातवाहन तथा पल्लवों वंश दक्षिण भारत के प्रथम राजवंश है, जबकि पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की द्वितीय शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में हुआ, जिसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुई थी, संघर्ष की शुरुआत हुई थी। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुर महाविहार की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया। इसकी उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। इसी काल में जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल हुआ।